दोस्तों ये है 2024 मॉडल मारुति सुजुकी नेक्सा सीरीज की फ्रॉन्क्स, और ये सबसे टॉप मॉडल मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये है सेकंड टॉप, समझ लो आप मिडिल वेरिएंट का टॉप मॉडल है। लेकिन जैसे कि इसमें आएगा ये डेल्टा प्लस है, बाकी बेस वेरिएंट भी आएगा उसका भी प्राइस बताऊंगा, टॉप मॉडल का भी बताऊंगा। और ये है 1.0L स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ, यानी 1000cc पेट्रोल इंजन स्मार्ट हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली, पावर पिकअप हर एक चीज़ में आपको मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी यानी कि सबसे कम पैसे में अच्छा फीचर के साथ, माइलेज भी अच्छा मिलेगा, इंजन भी बेस्ट मिलेगा। तो वो है मारुति सुजुकी नेक्सा, मजबूती भी आपको नेक्सा सीरीज में मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी भी। तो पूरा ओवरऑल इसका आप लुक्स देख सकते हैं और कलर देख सकते हैं, कलर जो है काफ़ी इंप्रेसिव कलर है और काफ़ी नया कलर है ये। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कलर कैसा लग रहा है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो साइड से ही आपको आगे दो डिस्क ब्रेक मिल रहा है, पीछे दो ड्रम मिल रहा है, और इसकी जो चारों एलो हील है इसके अंदर आप देख सकते हैं, एलो हील इसके अंदर आपको मिलेगा, सेंटर पे इसकी बेजिंग पियानो ब्लैक फिनिशिंग इसके अंदर रहेगा, और टायर जो है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर देखते हैं 16 इंच की, तो व्हील जो है वो कभी काफ़ी अच्छे 16 इंच के आपको मिलेंगे चारों। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सबसे सामने आप देखोगे तो इस तरह से इसका लुक आने वाला है। अब यहाँ पर आपको फ्रॉक्स की बैजिंग और इसका जो बम्फर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाइट कलर का रहेगा सिल्वर समझ लो, और ब्लैक फिनिशिंग पे, और ये रहा इसका ग्रिल, सेंटर पे आपको एस की बैजिंग मिलेगी, ग्रिल आपका मेट ब्लैक फिनिशिंग, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग इस तरह से गजब, और यहाँ पर आपका LED DRL और LED इंडिकेटर भी ये हो जाता है, अभी आपको चला के दिखाएंगे। LED हेडलाइट इसके अंदर आपको मिल जाएगी, प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग, और इस तरह से आपको रहेगा ये सेम टू सेम इधर भी लाइट मिल जाएगी, इस तरह से ये दिखने वाली है। अभी इसका जो कंपटीटर है वो समझ लो कि टाटा की पंच आती है, नेक्सॉन भी आती है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप टोयोटा में जाते हैं तो लगभग आपका ये समझ लो ग्लेंजा से भी कंपेयर करती है, लेकिन उससे भी आपको ये बेहतर पड़ने वाली है क्योंकि इसका जो साइज है, हाइट है, ये सब कुछ आपको बेहतर मिलने का बड़ा। अब जो आप देख रहे हैं जो अभी तक ये DRL था वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा मिलेगा, टोयोटा की हाई राइडर में भी यही ऑप्शन है, और क्रेटा से भी समझ लो कि ये कंपटीशन करती है दोस्तों। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये अच्छी लग रही है या फिर आपको जितनी कार का नाम दिया हूँ वो। देखिए ORVM पर आपको यहाँ पर मिलेगा LED इंडिकेटर, और इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस प्राइस भी बताऊंगा, तो वीडियो आपका पूरा देखना है कि क्योंकि मैं डाउन पेमेंट भी बताऊंगा कितना आएगा कम से कम लेने के लिए। दो यहाँ पर आपका ये वाशर आएगा, तो ग्लास इस तरह से रहेगा सामने से, तो पूरा ओवरऑल लुक देख लिए। अभी यहाँ पर देखिए डोर पे और इस साइड पे आपका ये पूरा फाइबरिंग किया गया है, यहाँ पर भी ये पूरा कि ताकि जंग ना लगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और ये रही व्हील, पीछे आपको दो ड्रम मिल रहा है, ये रहा इसका फ्यूल टैंक जो कि 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, पेट्रोल आएगा 37 लीटर, और यह है इसका डोर। अब डोर अगर आप देखोगे तो ड्राइवर के साइड वाले पे भी स्पीकर और वहाँ पर भी स्पीकर, 4 स्पीकर मिलेंगे इसके अंदर। ये देखिए डोर का हैंडल, ग्रे फिनिशिंग, यहाँ पर आपका ये फैब्रिक भी फिनिशिंग किया गया है, ये आपका विंडो का है, यहाँ पर भी जगह दी गई है, यहाँ पर आपका बोतल, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर। अब यह रहा इसका इंटीरियर, इंटीरियर तो भाई काफ़ी गजब का है ये देख सकते हैं, बाकी जो फिनिशिंग है ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। दो एयरबैग आपको मिल जाएंगे, AC वेंट आप देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ये सिल्वर ग्रे का फिनिशिंग, काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर ये भी स्पेस मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, क्रूज कंट्रोल नहीं है, USB है, 12 वोल्ट सॉकेट है, 5 गियर आपको मिलेंगे, 1000cc पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड का इंजन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले रहेगा, ये हेजर बटन आपका है, ये आप देख सकते हैं पूरा इस तरह स्विनिंग, और यहाँ पर आपको इसकी बेजिंग मिल जाएगी इस तरह से आप देख सकते हैं, ये स्टेयरिंग जो है, यहाँ पर आपका वॉइस असिस्ट, कॉल मिस कॉल, इसकी बेजिंग, यहाँ पर आपका जो है म्यूज़िक कंट्रोल आप कर सकते हैं, वॉल्यूम आपका कॉल का कर सकते हैं। ये रहा इसका डैशबोर्ड जो कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका ये सेमी कंसोल दिया गया है, यानी कि इसके अंदर आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका रहेगा, ये आपका डिफोगर, और यहाँ पर लाइट कंट्रोल, यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर आपको मिलेगा, ये पूरा इसके अंदर आपका पुश बटन स्टार्ट नहीं भाई, चाबी का सेटअप है, और यहाँ पर आप इसके अंदर की जगह दे सकते हैं, ये पूरा इस तरह से रहेगा, और सीट आप दे सकते हैं, ये देखिए पूरा, चलिए साइड से भी आपको हम दिखा देते हैं। अब ये रहा इसका मेन डोर, मेन डोर पर यहाँ पर आपको की मिलेगा क्योंकि ये की के साथ रहेगा, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये चाबी लगेगी, ठीक है, ये आपका चाबी वाला है, इसकी चाबी जो है वो इस तरह से रहेगी, इसमें भी लॉक अनलॉक का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर AC वेंट, ये आपका कंट्रोल, यहाँ पर देख सकते हैं क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डैशबोर्ड, और ये आपका डी कट में स्टीयरिंग, ये पूरा देख सकते हैं गियर लीवर, और यहाँ पर हैंड ब्रेक, ये ऑप्शन सीट, इस तरह से पूरा सिस्टम देखो गजब। और अब अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे का जो डोर है ना, ये भी आपका सेम फैब्रिक, डोर टोन फिनिशिंग, स्पीकर और स्पेस भी काफ़ी अच्छा, और पीछे भी आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की सॉकेट, स्पेस और सीट आप देखते हैं
तीन हेडरेस्ट भी मिल जाएगा, तीन लोग आराम से बैठ भी सकते हैं, सीट भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर भी लुक देखो, पीछे एलो हिल इसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी देखो स्मॉल सा ये आपका विंडो मिलेगा, और सीट यहाँ पर आप देखते हैं गजब का सीट आपका रहता है, तो कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और आप देखो यहाँ पर आपका डिफोगर ये देख दिया गया है, यहाँ पर इसके अंदर आप देखते हैं ये पूरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पर आपका जो है फॉग लैंप आपको मिल जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं ये गजब का रहेगा। यहाँ पर एंटीना दिया गया है, और यहाँ पर आपका नेक्सा सीरीज़ की बैजिंग है, यानी कि नेक्सा में आती है ये। और इंडिकेटर देखो आप, LED इंडिकेटर, LED यहाँ पर आपका DRN मिलेगा पीछे, ब्रेक लाइट गजब, यहाँ पर आपका कनेक्टिंग लाइट भी मिलेगा, सेंटर पे S की 3D वाली बैजिंग मिलेगी, नंबर प्लेट यहाँ आएगा, और फ्रॉक्स की बैजिंग मिलेगी, इसको अवार्ड भी मिला है भाई। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम DRL इंडिकेटर सब मिल जाएगा। यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर, चार सेंसर पीछे, और ये बम्फर आपका पीछे इस तरह से रहेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, एकदम मस्त आपका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है इसके अंदर। ऊंचाई आप देख सकते हैं, ये देखिए सब कुछ आपका इसके अंदर सब मस्त से मस्त मिल जाता है, अच्छा से अच्छा हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगा। दो एयरबैग आपको मिल जाएंगे, टच स्क्रीन सब कुछ है, 360 व्यू कैमरा भी आपको मिलता है, लेकिन वो आपको मिलेगा भाई 360 कैमरा, वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा Alpha 1.0L टर्बो, यानी कि सबसे टॉप मॉडल में जाना पड़ेगा। तो ये रहा इसका पूरा रियर का लुक। और अब यहाँ पर चलिए हम दिखा देते हैं आपको साइड से कैसे दिखती है कार। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नेक्सा सीरीज में आती है, तो आपको बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिलती है। अभी आप इसकी लंबाई भी देख सकते हैं, एकदम गजब की लंबाई रहने वाली है। अभी इसकी ऑन रोड कीमत हम आपको बता देते हैं, 11,13,901 रुपये है, और बेस वेरिएंट की कीमत है 8,77,709 रुपये। सेकंड टॉप अगर आप लेते हैं तो 9,71,766 रुपये ऑन रोड प्राइस नवसारी गुजरात में पड़ेगी, कटारिया ऑटोमोबाइल्स, और यह है सिसोदरा नवसारी में, यहाँ पर आपको ये पड़ेगी। तो इसकी कीमत 11,13,000 है, बेस वेरिएंट स्टार्टिंग प्राइस है 8,77,000, और अगर आप सेकंड टॉप लेंगे तो 9,71,000 पड़ेगी। तो इसमें आपको तीन मॉडल आएंगे 1.2 LK सीरीज पेट्रोल, 1.2 LK सीरीज CNG, 1.0 LK सीरीज टर्बो, तो ये टर्बो है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंजन आपको मिलता है 1000 CC का 1.0L टर्बो बूस्टर जेट इंजन, माइलेज आपको देगी ये 20 से 22 का माइलेज आपको अच्छा मिलेगा, CNG लेंगे तो 25 से 26 का भी माइलेज देने वाला है। तो 680 आता है, 5 MT आता है, तो ये 5 MT यानी 5 गियर वाली है। तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो।